कहते हैं दुनिया में 80% लोग वो काम करते हैं जिसकी पढ़ाई वो नहीं करते हैं। मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक्टिंग के फील्ड को चुना। अब ये फील्ड मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये फील्ड मुझे कहीं से भी बोरिंग नहीं लगती। तो आज की वीडियो में आप खुद भी देखोगे कि क्यों मैं इस काम को इतना एंजॉय करता हूँ। आंखों में अभी भी 2 घंटे की नींद बाकी है, लेकिन जब काम आता है तब वो फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। तो सुबह सुबह तैयार होकर दिवाली की मिठाई रख कर मैं निकल पड़ता हूँ शूटिंग के लिए। अब चूंकि 5 बजे उठना और घर से 6:30 बजे निकल जाना, मैं खुद नहीं चाहूँगा किसी को डिस्टर्ब करना। और वैसे भी सेट पर खाने पीने की व्यवस्था हमेशा रहती है, तो मेरे घर वाले भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठाते हैं कि सुबह उठ के नाश्ता बनाना है। और ये सामने जो आपको 5 टावर दिखाई दे रहा है, ये घर जब से बन रहा है तब से मैं इसमें 5 बेडरूम वाला घर खरीदने की सोच रहा हूँ। चलते चलते मैं टावर के करीब जरूर पहुंच गया हूं। और ये हमारा आज का शूटिंग लोकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये है कांदिवली का सबसे बड़ा सब्जी मंडी और फल मंडी भी कह सकते हैं। आसपास के जितने भी फल विक्रेता हैं, रिटेलर वाले, वो यहीं से फल लेके जाते हैं। और जब भी मैं शूट पे जाता हूं, इस रास्ते से होके ही जाता हूं। मुझे लगा अंदर चीजें सस्ती मिलती होंगी, लेकिन जब अंदर पहुंचा तब पता चला कि भैया कहानी तो कुछ और ही है। कहाँ पूरे मार्केट में सेब है कि नहीं? सेब क्यों नहीं मिलेगा? ये कैसे है? कितना चाहिए हमको? 2-4 चाहिए। 10 रुपये का दे दीजिए। 10 रुपये का फिर नहीं है। तो कितना लें? 1 किलो आएगा 80 रुपये किलो। आधा किलो दे दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा। फिर वही आधा किलो मतलब क्या दे करके हमको गाली देगा लोग, होलसेल वाले चिलर वाले। 1 किलो ले लीजिए चोरी से दे। अरे हमको अकेले खाने के लिए चाहिए, कितना ले जाएंगे? अरे कितना, 6-7 तो फिर होएगा 1 किलो, कौन सा ज़्यादा? और क्या बताऊँ आपको, करेंगे क्या? खा सकते हैं 2 टाइम तो खा सकते हैं, 3 टाइम। अरे लेकिन हम करेंगे क्या? अरे 2 टाइम खाइए सुबह सुबह, फिर खाने का चीज़ है। सही बोला आपने। ना ना सेब सेब चाहिए, आधा किलो चाहिए। कैसे किलो है? 170 रुपये। 2-3 चाहिए खाने के लिए। ले लो दे दूँ, आधा ग्राम दे देना, आधा किलो दे दूँ। 100 रुपये के ले लो, 600 ग्राम दे देता। ठीक है आपको मैं वो करूँगा। नहीं जीप पर नहीं है। अरे भैया तुम्हारे पास जी पे है ना, गूगल पे है, ले लो। कितना है? 100 रुपये ले लो। 100 रुपये मार देता हूँ। 100 रुपये मार दीजिए। हाँ नंबर दो। 99-30। 100 ग्राम का फायदा हुआ है मार्केट में आने से। कहाँ फ्रीजर में से निकाल के लाए हैं क्या? सब इधर ही है। बस करी। अरे रखिए। अरे महाराज, अरे महाराज क्या कर रहे हैं? उधर काटा भोजन कर लो। अच्छा वो छोटा तो मजी रखिए। रख दो एक, रख दो। बोल रहा है कि होलसेल के दुकान में क्या कर रहे हो? ना ना ना। अरे भाई जा रहा हूँ। ये भी कह रहा है होलसेल के दुकान में तुम क्यों आए हो रिटेलर वाला सामान लेने के लिए, आधा एक किलो 1 किलो। अरे भाई कोई इज्जत नहीं है यार। तो 45 मिनट बाइक ड्राइव करने के बाद मैं पहुंचता हूं अपने सेट पर। पुष्पा विला बहुत ही बढ़िया विला है ये तो। एक बार पूरा मामला सेटल हो जाए फिर अच्छे से दिखाता हूं।
कहाँ बैठे हैं? और ये हैं हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मयंक पांडे जी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और ये हैं हमारे लाइट दादा जो समोसे का मजा ले रहे हैं। और देखिए सुबह सुबह ऐसे ही कंटेनर में समोसा और लिट्टी बेचने आते हैं। कहाँ ले जा रहे हो हमको? वॉशरूम दिखा रहे हो? ठीक। और इसे खोलते ही हमें मिलता है सबसे बड़ा सरप्राइज। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। निशिकांत दीक्षित जी हमारे सह कलाकार, हम आज पहली बार काम कर रहे हैं साथ में। पिछले 6 सालों से ये मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ, हमने इनका काम देखा, इन्होंने मेरा काम देखा, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। सेट पर पहुँचते ही सबसे पहले मेकअप मेरा होता है, क्योंकि आज ही मेरा लुक टेस्ट भी है। तो अभी शूटिंग शुरू होने में 1 घंटा समय है, तो ये जो सुबह की एनर्जी होती है, इसी बीच में जितना मैं ब्लॉग कर लिया फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता। अब एक बार जैसे ही सीन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद बैक टू बैक, और शाम तक इतना एग्जॉस्ट हो जाऊंगा कि फिर कुछ ब्लॉग करने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। इसे हम लुक टेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कॉस्ट्यूम ट्रायल ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि लुक टेस्ट में एक संभावना होती है कि एक्टर रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी इनके पास कोई चांस ही नहीं है कि दूसरा एक्टर लेके आए। और ये है हमारा एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर हम शूट करने वाले हैं। ये डाइनिंग एरिया है, और ये है नकली पैसे जो शूटिंग में इस्तेमाल होते हैं। इतने सारे पैसे। और इस तरफ है एक बड़ा सा बेडरूम। हमें बड़े जगह की जरूरत क्यों पड़ती है? कि ताकि यहाँ पर कैमरा, लाइट, सब कुछ आसानी से सेटअप हो जाए। बंगलो जहाँ आज हम शूट करने वाले हैं। बहुत सारे सीन हमारे इस डाइनिंग एरिया में भी होंगे। और बाहर निकलते ही हमें दिखाई पड़ते हैं महादेव। अब हम पहला सीन परफॉर्म करने जा रहे हैं। FX9 कैमरा, जो कि क्राइम पेट्रोल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अभी हम लोगों का थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक है। एक सीन कंप्लीट किया, अब दूसरा सीन के लिए देखिए बुलावा आ गया। चलो। और हमारे साथ मोस्ट सीनियर एक्टर जो हमारे फादर का रोल कर रहे हैं, श्री निशिकांत दीक्षित जी, जो कि बहुत जल्द आपको OTT पे दिखाई देंगे। इनका बहुत सारा वेब सीरीज मैंने तो देखा ही है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इस पूरी स्टोरी में हम सिर्फ 4 कलाकार हैं, और मुझे जब जब मौका मिलता है मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट भी मुझे अभी मिली है। फिर मुझे याद आता है कि ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं पानी भी नहीं पिया हूँ, तो एक साथ मैं 4 बॉटल लेता हूँ और घटाघट करके 1 लीटर पानी पी जाता हूँ। फिर पता नहीं सीन में कब बिजी हो जाऊँ और पानी पीना भूल जाऊँ। 4 बॉटल पानी पीने के बाद लगा कि हाँ, अब जाकर बॉडी थोड़ी हाइड्रेट हुई है। अब दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब सबके चेहरे मुरझा गए हैं काम करते करते। अब चाहिए सबको लंच। एक्चुअल काम का फ्लो जो होता है ना, सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, उसके बाद फिर 5 बजे से लेकर के अपना 10 बजे तक, बीच के जो 3-4 घंटे होते हैं ना, बहुत स्लो होता है। नहीं, आप लगा वो लगा। और जो ये नाश्ता मैं अपने घर से लेके आया था, लंच होने में अभी काफ़ी टाइम है, तब तक थोड़ा बहुत इसी से काम चला लेते हैं। फाइनली लंच होता है। और आज का लंच हम कर रहे हैं अपने सह कलाकार के साथ, और आज ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है, तो मैच का मजा लेते हुए हम अपना लंच करेंगे। निशिकांत जी को एहसास होता है कि हम छोटे मोबाइल में देख रहे हैं, फिर वो अपना बड़ा फोन चालू करते हैं।
अब थोड़ा सा राइस भी ले लेता हूं। लंच हमारा ओवर हुआ और यहाँ पे भी फिर से लंच ही लंच चल रहा है। बाबूजी इधर बैठ के देख रहे हैं। गाइस तो सब कुछ चल रहा है बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत ही स्मूथली शूटिंग चल रही है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी चिल्लम चोट के। और सिर्फ चार एक्टर हैं तो इसीलिए मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। बट अभी क्या है कि जो दो एक्टर हैं उनके सीन लगे हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। और अब मैं ढूंढ रहा हूँ तुलसी का पौधा। बंगलो जितने भी होते हैं वहाँ पे तुलसी का पौधा होता ही होता है, बस हमें ढूंढना पड़ेगा। उधर भोलेनाथ हैं, क्या पता इधर हो। इस तरफ मंदिर है तो शायद हो सकता है कि हमें तुलसी का पौधा मिल जाए। पौधा मिलता भी है लेकिन एक ही पौधा है इस पूरे बंगलो में, और यहाँ पे भी इस पौधे की पूजा होती है, तो यहाँ से पत्ती तोड़ना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। बट फिर भी मैं किसी तरह से तुलसी के पत्ती का इंतज़ाम करता हूँ और जाके अपने स्पॉट दादा को दे देता हूँ। और आज अब सुबह की पहली और बेहतरीन चाय मुझे मिलेगी। सीन लगने में अभी थोड़ा टाइम है तो मैं थोड़ा वक्त यहीं पर बैठता हूँ। फिर मालूम पड़ता है कि अगला सीन होने जा रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई चाय का मजा भी अपने रूम में ही बैठ के लेते हैं। पूरा एसी से एकदम चिल्ड हो गया है। अरे कौन है भाई? भाई वो मरून वाला शर्ट पहना है। यार चाय भी नहीं पीने दे रहे हैं लोग मुझे ढंग से। और सुबह से ये पहली मेरी पसंदीदा चाय तुलसी और अदरक वाली। अब थोड़ा काम करने में मजा आएगा। फिर से हमारा काम शुरू होता है। हमारे सामने कुछ कैंडल रखी गई है। पहले तो मुझे लगा कि ये असली कैंडल है, बाद में देखता हूँ ये बैटरी वाली है। नहीं नहीं, ये जो आप समझ रहे हैं ये उस तरह का सीन नहीं है, ये एक छोटा सा एक सजेस्टिव सीन था। और अब हम शूट करने जा रहे हैं अपना क्लाइमेक्स सीन। क्लाइमेक्स का भी बिल्कुल लास्ट पार्ट है ये। इसके पहले का भी सीन बहुत सारा है जो हम कल करने वाले हैं। देखिए किस तरह से नीचे पहले काला कपड़ा बिछा देते हैं कि ताकि एक्टर को अगर कहीं गिरना है, लेटना है, तो वो उस पर लेट के सीन दे दे। लेकिन फाइनल शॉट में हम वो नीचे का कपड़ा हटा देते हैं। तो गाइज आज का दिन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप कि ये स्टोरी अच्छी लगी हो आप लोगों को। कुछ नए तरीके से बनाने की मैंने कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक का बटन हिट कीजिएगा। और अगर आप डेली व्लॉग देखना चाह रहे हो तो एक्टर लाइफ देसी, इस पर मैं डेली व्लॉग्स डालने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल अल्टरनेट डेज पे आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी चेकआउट कीजिए, वीडियोज़ वगैरह देख लीजिए। और कुछ टाइम के बाद जो डोमेस्टिक व्लॉग है, जो घर के व्लॉग्स हैं, वो सब एक्टर देसी लाइफ पे ही आएंगे।